subscribe Genique Education and click the bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन आज 2 अक्टूबर है, आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज का दिन केवल गांधी जी के लिए नहीं याद किया जाता है, आज के दिन ही एक और बहुत ही महान नेता थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो 2 अक्टूबर को भारत देश में 2 महान हस्तियों का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता जैसे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने बहुत कुछ किया था किसानों के लिए। तो आज का दिन इतना शुभ है, इन लोगों ने जो हमारे जो भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों ने जिस लेवल पे काम किया था, जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया था, जिस तरीके से जो हमारे देश की प्रॉब्लम्स थी उसको समझा था और उसको एग्जीक्यूट करवाया था, एक प्रॉपर डायरेक्शन में कंट्री को लेके गए थे। तो सबके लिए, इन सब के लिए जितने भी हमारे महान हस्तियां रह चुके हैं जिन्होंने देश के लिए इतना बलिदान दिया है, सब कुछ त्याग के, दुनिया की हर एक सुख सुविधाओं सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल देश के लिए काम किया है, इन सबको नतमस्तक और सबको नमन है। तो आज के दिन इतने शुभ अवसर पे हम लोगों ने भी आप सभी को सबसे पहले गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे सबको शुभकामनाएं, और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और आगे लाइफ में कुछ न कुछ आप अचीवमेंट करते रहिए, जिससे कि ओवरऑल आपका भी बेनिफिट हो, आपका पर्सनल ग्रोथ हो और साथ में हमारे देश को भी आगे ले जाने में आपका सहयोग मिल सके। तो इस दिन पे आज मैं बात करता हूँ, आज हम लोग एक नई क्षेत्र में कदम रखे हैं और उस चीज़ को हम थोड़ा सा इनकल्केट करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब मैं डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चों से मुलाकात किया हूँ, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा डिप्लोमा कॉलेज में भी सेमिनार हुआ था, तो आप रियली बिलीव नहीं करोगे, जब डिप्लोमा कॉलेजेस में हम लोग गए थे और वहाँ पर बच्चों से इंट्रैक्शन हुआ था, तो बच्चों के अगर चेहरे देखे होते तो शायद आप सोचते कि मतलब इनको क्या मिल गया। वो इस सेंस में, क्योंकि उनके कॉलेज में कभी भी इस तरीके की चीज़ें कभी करवाई नहीं गई उस टाइम पे कि आपको डिप्लोमा करके क्या चीज़ें मिल सकती हैं, आप किन किन सेक्टर्स में आप जा सकते हो, आपका कंपटीशन लेवल किस लेवल पे है। तो ये सारी चीज़ें उनको जब समझाने का मौका मिला हम लोगों को, बहुत सारे कॉलेजों में हम लोग गए और वहाँ पर हमको मौका मिला उन बच्चों से इंटरेक्ट करने का जिन पे काफ़ी समय से ज़्यादा कुछ उन पर विचार नहीं किया गया, इंट्रैक्शन कभी बहुत कम, डिप्लोमा के बच्चों से बहुत कम इंट्रैक्शन हम लोग को हो पाता है। बट हम लोगों ने इसीलिए एक मुहिम सी एक छेड़ी कि हम लोग डिप्लोमा के बच्चों से भी इंट्रैक्शन करेंगे, उनको किसी भी इग्नोरेंस पे नहीं रख सकते हैं, उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप बात करते हो जूनियर इंजीनियर एग्जाम की बात करते हो, या आप इवन स्टेट में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिप्लोमा, और एक थोड़ा सा मैंने एक चीज़ और भी देखा कि इतना ज़्यादा डिजिटल दुनिया का इतना बहुत एक्सेसिव लेवल पे नहीं फैला हुआ है उन बच्चों के बीच में कि वो हर चीज़ को समझ पाएँ, हर चीज़ को वो एब्जॉर्व कर पाएँ। तो हम लोग की एक रीच ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम उन बच्चों को भी बहुत अच्छे वे में उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी एक चैनल आपका चल रहा है जेनिक एजुकेशन, इस चैनल पे आप देख रहे होंगे मोस्टली जो चीज़ें बात की जाती हूँ गेट, ESE या आपका जो भी इसरो, इन सब चीज़ों के एग्जाम की बात की जाती है जिसमें BTech की एलिजिबिलिटी होती है, जिसमें कि डिप्लोमा का कोई भी काम नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए एक सेपरेट चैनल ऑप्ट करने का सोचा, और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और आज के दिन पे ही हम चैनल की लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम केवल बात करेंगे जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स की बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की बात करेंगे, रेस्ट हम इस पर हम कभी भी नहीं बात करने वाले हैं कि गेट, ESE एंड ऑल, इन सब चीज़ों को कभी बारे में बात नहीं होगी। तो आप जितने भी लोग SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RRB JEE की प्रिपरेशन आगे करेंगे, या पहले हो चुका RRB JEE का पेपर, अभी अपकमिंग में आपका SSC JEE पेपर आ रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट आपके अपीयर करते हैं। SSC JEE में बहुत एक्सेसिव अपीयरेंस होती कैंडिडेट्स की, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी आपकी होती है। तो इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इन सब ब्रांचों के लिए जूनियर इंजीनियर एग्जाम बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट हैं।
और इन एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे अपेयर करते हैं, और मैंने देखा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी आपके जूनियर इंजीनियर एग्जाम आते हैं उन एग्जाम्स में बीटेक भी मैक्सिमम जगह एलिजिबल होता है। तो जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एसएससी जे एग्जाम के लिए या यूपीपीसीएल के लिए, अभी आपकी वैकेंसी आई हुई है तो यूपीपीसीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका किसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी जेई आगे कभी आएगा तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या बीच में बार जेई से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट आपकी निकलती रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की निकलती रहती, सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती रहती, इन सब एग्जामों के प्रिपरेशन के लिए हमने इसीलिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसमें कि गेट एएससी इन एग्जामों को छोड़ के जितने भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं उसके कंटेंट उस पर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें हमारा फोकस होगा कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके जिससे कि आप उस एग्जाम को अच्छे से कर सको। तो ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस चीज को हम लोग अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, और जितने भी डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट जो एएससी या गेट इन सब फील्ड में नहीं कर सकते, वो सोचते हैं कि उनका एसएससी जी के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए कर सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए जो पोस्ट आती है उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इस चैनल पर आ सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग बहुत जल्दी ही वीडियो अपलोडिंग आपका स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हमारी पूरी जो एसएससी जेई की जो टीम है, जो एसएससी जेई से रिलेटेड, यूपीपीसीएल से रिलेटेड, आरआरबी जेई से रिलेटेड, आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है, अभी यूपीपीसीएल का एई की पोस्ट आई है, जेई की पोस्ट आई है, इन सब से रिलेटेड जो कंटेंट होंगे, जो हमारे टीम है, सुमित सर हो गए, शुभम सर हो गए, आपके सचिन सर हो गए, ऋषभ सर हो गए, ये सब लोग इसको लीड करने वाले हैं, और आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे रेलेवेंट टू दीज एग्जाम्स। वहां पे कोई बात नहीं होगी गेट या एएससी ऐसे किसी भी एग्जाम बात नहीं होगी, वहां पे हर एक पॉइंट की बात होगी जो उन एग्जाम के लिए आपका रिलेटेड होगा। तो आप यहां देख सकते हो चैनल आपको आपको यहां पे दिख रहा होगा, जिसका नाम दिख रहा होगा जेनिक, आपका जूनियर इंजीनियर एग्जाम स्टडी के लिए आपका बनाया गया है। इसका केवल ये मत समझिए कि इट्स ओनली फॉर द जूनियर इंजीनियर, ठीक है, इट इज ऑल्सो फॉर एप्लीकेबल फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर की कोई पोस्ट आती है आप उसके लिए, क्योंकि मैंने जो 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 हमको टीम ने बताया है, जो सिलेबस है, जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, उसमें ए की पोस्ट और जे की पोस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया लेवल ऑफ क्वेश्चंस में। एसएससी जेई की अगर बात करो कि इसका लेवल बहुत अच्छा है, एसएससी जेई का इतना अच्छा है कि आप ईएस के एग्जाम से इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। लेवल ऑफ द क्वेश्चन की मैं केवल बात कर रहा हूं, लेवल ऑफ द क्वेश्चन का अगर आप बात करोगे तो ईएससी का जो लेवल है टेक्निकल का, लगभग लगभग एसएससी जेई का भी सेम लेवल अप्रोक्सीमेटली है। और यूपीपीसीएल का अगर आप बात करते हो, क्योंकि मैं खुद ये सब चीजें समझ रहा हूं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, यूपीपीसीएल जो एग्जाम होता है जो उसमें टेक्निकल आपके सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखें, चाहे वो ए पोस्ट के लिए चाहे जेई पोस्ट के लिए, उसमें ईएससी चीजों का बहुत फोकस किया जाता है। ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्टली लिया जाता है, ऐसा है आप एक बार पूरा एनालिसिस बेटा आप करोगे तो आपको एक एग्जैक्ट सिनेरियो पता चलेगा किस तरीके से ये सब एग्जाम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो यहां पे इस चैनल में यही काम किया जाएगा, आपको डिफरेंट तरीकों से समझाया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। मान लिया फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन लिया गया, मान लिया एक सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो उसमें एक क्वेश्चन लिया गया, उस क्वेश्चन के थ्रू वो टीचर आपको ये भी बताएंगे कि अगले 10 से 15 क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर एरिया से कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या कन्वेंशनल फॉर्म में। क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं, जूनियर इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, बहुत सारे एग्जाम में दो स्टेजेस आपके होते हैं, एक स्टेज होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, दूसरा स्टेज होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। उसके बाद जूनियर इंजीनियर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम में तो इंटरव्यू है ही नहीं है, आप रिटन अच्छे मार्क्स से आप क्लियर करिए, डेफिनेटली आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। असिस्टेंट इंजीनियर की जितनी पोस्ट होती है उसमें डेफिनेटली रिटन एग्जाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। तो आप सभी के लिए ये चैनल बनाया गया है, और इस चैनल पे अब से जितने भी गेट एएससी से के अलावा जो भी एग्जाम होंगे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, जो भी आपका कंटेंट आएगा आपका इसी चैनल पर आएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जो भी स्पेशली जो डिप्लोमा कर रहे होंगे उनको प्लीज शेयर करिए इस चीज को, जैसे उनको पता चल सके कि इस तरीके कंटेंट भी आपका अवेलेबल और जेनिक एजुकेशन इसको प्रोवाइड करने वाला है। ओके, आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि आरआरबी जेई के लिए हमने काफी कुछ प्रोवाइड किया था, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपका, मैकेनिकल की चीजें ज्यादा
ज्यादा कवर नहीं हो पाए थे, कुछ चीजें आपके कवर हो पाए, जैसे 100 मार्क का कवर किया गया था जो कि कॉमन था सिविल और मैकेनिकल में, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट सबको मिला होगा, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं, कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है। तो इस चैनल पे वो सारी चीजें बेटा आपको प्रोवाइड की जाएंगे, जिससे कि आप एक जूनियर इंजीनियर एग्जाम या एक असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम या कन्वेंशनल पेपर की बात करो या आप ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करो, किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं, एक क्वेश्चन से समझ के, एक टॉपिक को समझ के कैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच सकते हो, उसी टॉपिक्स में कितने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ये सब कुछ आपका इस चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको आपको मैंने ये चैनल हम लोगों की टीम ने, जो एसएससी जेई की टीम थी, उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि सर गेट वाले चैनल पे हम लोग को ये चीजें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत मिक्सिंग हो जा रहा है। पता चला जेई में सुमित सर मशीन पढ़ा रहे हैं और जेई में कोई मान लिया डिप्लोमा का बच्चा आता है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये वाला मशीन मुझको पढ़ना है कि ये वाला मशीन पढ़ना है। बिकॉज देखो लेवल ऑफ एग्जाम सबका अलग अलग है, सबके अपने एडवांटेजेस, सबके अपने डिसएडवांटेजेस। अब ऐसा हो जाएगा गेट की चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ डाले, उसके बाद आप एक जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए अपीयर किए या आप एक असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए अपीयर किए, तो बेटा उसका ये मैं कह रहा हूं कंसेप्ट कभी नहीं बदलता, कंसेप्ट विल रिमेन सेम, बट आपका जो टॉपिक कवर होता है कितना पोर्शन उसमें आएगा कितना पोर्शन नहीं, तो जरूर नीक आपको यहां पे सारी चीजें वो आपके लिए फिजिबल हो सकती हैं। तो बेटर है कि आपको स्पेसिफिक रहना है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो सबका अपना क्राइटेरिया, अपना सिलेबस है, अपना तरीका है क्वेश्चन पूछने का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, ओके? तो आप सबके लिए ये चैनल है, आप सब कोई एंजॉय करिए और आप इसी तरीके से आप लगे। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि गेट या ईएससी के अलावा कोई भी अदर टेक्निकल एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, जैसे किसी का इंटरेस्ट हो सकता है एसएससी जेई के लिए, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है आरआरबी जेई के लिए, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है यूपीपीसीएल के लिए, किसी का भी इंटरेस्ट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो जितने भी एग्जाम है जिसमें टेक्निकल कंटेंट आपका पूछा जाता है अदर देन गेट और ईएससी और इसरो एंड बार्क, तो वो इस चैनल को बहुत ही ब्यूटीफुली इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस चैनल पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट हम अपलोड करा सकें रिगार्डिंग द ऑल द एग्जाम्स रिलेटेड विद द जूनियर इंजीनियर, जिसमें कि डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है, जिसमें कि आपके बीटेक के बच्चे बहुत सारे एग्जाम में एलिजिबल होते हैं, रेस्ट आपका असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए कोई भी अगर एग्जाम आता है जिसमें कि टेक्निकल आपका कंटेंट इन्वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर सकें। हमारी पूरी टीम एसएससी जेई टीम पूरी रेडी है इस चैनल पे अपने वीडियोस को प्रोवाइड करने के लिए और आप सब उस कंटेंट को अपनी प्रिपरेशन में कितना अच्छे से बेटर फॉर्म में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो ये आपको डिसाइड करना है। आप इस चैनल पे आके इस चैनल के कंटेंट को आप देखिए और उसको अपने प्रिपरेशन में अपने प्रिपरेशन को और एनहेंस करिए इन द फील्ड ऑफ द जूनियर इंजीनियर एग्जाम। तो ये मोटिव इस चैनल का है और इस चैनल पे आके आप सबको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट है उतना हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हर फील्ड को हम ध्यान रखते हुए कंटेंट को हम अपलोड कराएंगे, ओके? तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप इतने दिनों से जेनिक एजुकेशन पर आप कनेक्टेड हैं और जेनिक पे इतना बिलीव करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी कि आपका जो बिलीव आपका है जेनिक एजुकेशन पे वो हमेशा मेंटेन बना रहे। अब यही काम होने वाला है डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए और रेस्ट जो भी बीटेक के स्टूडेंट जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, ओके? तो चलिए फिर हम लोग इसी तरीके से इस चैनल को भी अच्छे तरीके से हम इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, हमसे जितना पॉसिबल हो पाए हम उतनी कोशिश इसमें करते रहेंगे और वीडियो आपका अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में अपने सभी दोस्तों से जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अवेयर कराइए अबाउट दिस चैनल, जिससे कि उनको ग्रोथ रेट इसमें मिल सके और वो अपने प्रिपरेशन को अच्छे वे में ले जा सके, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग मिलते रहेंगे और डिस्कस करेंगे और भी एस्पेक्ट को रिगार्डिंग द जे एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।